आई एम सेइंग डोंट सिंग, टेक्स्ट करूं मैं ये अभी फ्लाइट मोड में करके। Hey all you awesome awesome people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. So I'm back with a story time video. Finally, I mean lately maine jitni bhi videos upload kiye hain उसमें कमेंट सेक्शन में देयर वुड बी एटलीस्ट वन पर्सन हु विल आस्क मी टू मेक अ स्टोरी टाइम वीडियो, टू अपलोड अ स्टोरी टाइम वीडियो। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी बहुत पसंद है स्टोरी टाइम वीडियो बनाना, एडिट करना, आप लोगों के साथ शेयर करना। और इवन आई वॉज डाइंग टू फिल्म अ स्टोरी टाइम वीडियो बट मुझे प्रॉपरली यू नो वो टाइम नहीं मिला था, बिकॉज यू नीड अ प्रॉपर सेटअप जो कि इससे भी बेटर हो सकता है एंड यू हैव टू गेट रेडी एंड यू नो यू नीड प्रॉपर साइंस। एक माइंड सेट होना चाहिए यू नो कि जहाँ पे आप बैठ के हाय गाइस इस तरीके से बातें कर सको यू नो, वरना अगर आप थके हुए हो एंड देन यू एक्सपेक्ट कि यू विल सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड यू नो वो एनर्जी आपके अंदर होगी और उस एनर्जी के साथ आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो वो एक चीज़ था, तो इसलिए मैं व्लॉग्स वगैरह अपलोड कर रही थी जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आए हैं। अगर मैं भी उसकी बात करूँ तो नेवर माइंड, बट आई एम ग्लैड कि आप लोगों को मेरे स्टोरी टाइम वीडियोज़ पसंद हैं। सो इसलिए फाइनली मैंने एक स्टोरी टाइम वीडियो फिल्म करने का सोचा और अब मैं कर रही हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बट बिफोर आई स्टार्ट टुडेज वीडियो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ स्किन केयर प्रोडक्ट, दैट इज़ अ सनस्क्रीन एंड दैट इज़ बाय मामा अर्थ। सो ये मामा अर्थ की अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन है एंड इसमें है कैरेट सीड एंड टर्मरिक। सो दीज आर द मेन इंग्रेडिएंट्स। सनस्क्रीन की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में मैं आपको बयान नहीं कर सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ टू अप्लाई सनस्क्रीन। ओके एंड इट्स नॉट अबाउट व्हेनेवर यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, इवन राइट नाउ व्हेन आई एम सिटिंग आई एम फिल्मिंग एंड आई हैव नो प्लान्स टू गो आउट, आई हैव अप्लाइड सनस्क्रीन every day whenever I do my morning skincare routine, I always apply a sunscreen and that is very very important. And please jab bhi aap sunscreen lagaye koi bhi kanjoosi na kare, take a generous amount of it and apply it all over your face and neck, you know it is very important. Again I don't have to tell you, I'm sure you are aware of it, that you know it protects you from the harmful UV rays, also it prevents your skin from एजिंग। सो अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी एज ना करें तो सनस्क्रीन का प्लीज़ उपयोग कीजिए एंड जितना जल्दी आप करोगे उतना ही अच्छा होगा आपकी स्किन के लिए। मतलब मुझे, मैं इस बात की गिल्टी हूँ कि मैंने आई वुड से व्हेन आई वाज 24 और या 23-24 मैं तब सनस्क्रीन स्टार्ट करना शुरू किया इस्तेमाल करना। उससे पहले मैं खरीदती थी बट यू नो एक वो रेगुलरली यू हैव टू यूज, यू नो हमारे दिमाग में होता है कि जब भी बाहर जाना है तभी क्रीम लगाना है या कभी तभी हम फाउंडेशन लगाएंगे तो तभी हम सनस्क्रीन लगाएंगे, इतना पता नहीं था स्किन केयर के बारे में। सो मैं उतना इस्तेमाल नहीं करती थी बट आई एम गिल्टी ऑफ इट। बट मैं कहूँगी जितना जल्दी आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करें उतना आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। सो दैट इज़ अबाउट दैट। ऑल्सो इफ़ यू टॉक अबाउट मामा अर्थ, इट इज़ क्रुअल्टी फ्री। उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, बिकॉज यू नो यू डोंट वांट टू अप्लाई एनीथिंग विच हैज़ केमिकल्स, यू वांट टू गो फॉर समथिंग विच इज़ मोर नेचुरल। सो दैट इज़ वन थिंग अबाउट मामा अर्थ विच आई पर्सनली लाइक। ऑल्सो देयर प्रोडक्ट्स आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, सो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मामा अर्थ अराउंड 1 लाख ट्रीज प्लांट कर चुके हैं, 1,135 metric tons of plastic has been recycled. So this is what they mean when they say it's a plastic positive brand, also it's an Indian brand. Unhone ek aur initiative liya during the pandemic where they have distributed around 50,000 sanitizers and 20,000 cloth masks to our COVID warriors. एक और चीज़ जो आपको बतानी बहुत ज़रूरत है, आपको कहाँ मिल सकते हैं मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने अभी अपनी ऑफिशियल ऐप लॉन्च किया है तो आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। ऑल्सो यू कैन गेट इट ऑन Amazon, पर्पल, नाइका, सो आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। एंड मैं पिछले एक हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ व्हाट माय स्किन लुक्स लाइक एंड बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में। सो एक और चीज़ है कि व्हेनेवर यू अप्लाई सनस्क्रीन मेक श्योर 20 मिनट पहले एटलीस्ट अप्लाई करें सो दैट इट्स नाइसली इट्स अब्सॉर्ब्ड इनटू योर स्किन एंड देन ओनली स्टेप आउट ऑफ द हाउस। ऑल्सो
बहुत सारे ऑल्सो हैं, तो एक और ऑल्सो, यू विल गेट 20% डिस्काउंट. यस, अगर आप mamaearth.in से परचेज करते हैं तो आपको मिलेगा 20% डिस्काउंट. और कैसे मिलेगा? जब आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे विच इज़ nirupama2021, उसका इस्तेमाल कीजिए एंड गेट 20% डिस्काउंट ऑन योर परचेज. सो दिस वॉज अबाउट द स्किन केयर एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी टाइम. So one of you have commented on my video, asked me that, you know, why don't you share your experience, you know, first time when you traveled as a passenger and first time when you operated a flight. So flight operate karne ka jo meri first flight jo maine operate kari thi, uske baare mein maine already video bana chuki hoon, which is there on my channel. So I will leave the link over here. You can click and watch. Also in the description box. तो आप इस video को देखने के बाद वो video देख सकते हैं. So वहाँ मैंने अपनी जो first trainee flight थी वहाँ का उसका experience share किया है, जहाँ मैंने as a crew operate किया था. Now अब बात करें as a passenger. तो मैंने first time जब मैंने travel किया तो तब मैं एक interview के लिए जा रही थी. So for this domestic airline मैंने interview दिया था before Jet. तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड क्लियर हो गया एंड मैंने कैलकटा में ही इंटरव्यू दिया था. वहाँ पे माय फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड लिली बिला, सो शी वाज फ्लाइंग आउट ऑफ कैलकटा, तो मैं उसे मिलने गई और वहाँ पे दैट्स हाउ एंड उसी की एयरलाइन में मैंने इंटरव्यू दिया. सो व्हेन आई वेंट देयर एंड शी वाज लाइक, यू नो, यू हैव टू ट्राई फॉर द एयरलाइन, हम लोग साथ में फ्लाई करेंगे. सो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं कहा देखते हैं. मुझे अपने पे भरोसा तो नहीं था बट मैंने चलो ठीक है ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है. सो मैं गई वहाँ पे, मैंने फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड क्लियर किया. आई रिमेंबर हम लोग जब जब इंटरव्यू देने भी जाए थे ना, हम लोग लेट हो गए थे एंड हमको ना जेरोक्स करवा, हमको क्या मतलब, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स करवाना था. और वो फ्लाइट करके आई थी एंड आफ्टरनून में आई थिंक 2 बजे तक, वो जो लास्ट टाइम जो होता है ना कि इसके बाद 2 बजे के बाद नहीं होगा इंटरव्यू, ऐसा कुछ था. तो हम लोग तो भाग रहे थे, यू नो, कि कहाँ से जेरोक्स मिला, कहाँ से जेरोक्स मिलेगा एंड समहाउ वी गॉट इट एंड दैट इज़ अ होल स्टोरी, डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. कभी और आपको उसके बारे में बताऊंगी. सो दैट्स हाउ मैं इंटरव्यू देने के लिए जो थर्ड राउंड के लिए दिल्ली जा रही थी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो हेडक्वार्टर्स था उस एयरलाइन का, मतलब अभी भी है. तो जब मैं वहाँ जाई थी तो एक चीज़ बहुत अच्छी थी उनकी एयरलाइन के बारे में इज़ कि जो इंटरव्यू देने आ भी रहा था वो अपने खर्चे पे उनको बुला रहे थे. बहुत ऐसा होता है कि पीपल वॉन्ट टू बिकम कैबिन क्रू और उन्हें इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना होता है, लेकिन कभी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता, कभी ट्रैवल नहीं किया होता, जैसे कि मैं. तो मैंने कभी इससे पहले नहीं ट्रैवल किया था, तो बाय एयर मुझे नहीं पता था कैसे होता है, क्या होता है, बस इमेजिन ही किया था, सुना ही था, तो कुछ पता नहीं था. सो इट वॉज अ वेरी नाइस जेस्चर फ्रॉम देयर एंड कि चाहे आप इंटरव्यू क्लियर करो ना करो, आपको एक एक्सपीरियंस जरूर मिलना चाहिए कि अच्छा फ्लाइट से ट्रैवल करना कैसा होता है, ट्रैवलिंग बाय एयर हाउ इज इट एंड एवरीथिंग. सो विच वॉज वेरी नाइस. सो उन्होंने टिकट वगैरह सब उन्होंने करके दिया और एक दिन में आना जाना था कि वहाँ जाके इंटरव्यू दो, राउंड्स क्लियर करो, अगर आपको हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वापस आ जाओ उन्हीं की फ्लाइट में. सो मेरे साथ और भी आई थिंक 10 लड़कियाँ और थी, पर उस टाइम पे मुझे नहीं पता था क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मैं लास्ट में पहुंची थी वहाँ पे कलकत्ता में इंटरव्यू देने के लिए. तो एंड में मतलब जल्दी जल्दी उसने इंटरव्यू ने भी इंटरव्यू लिया और उसने कहा कि हाँ ठीक है क्लियर है, क्लियर है एंड नेक्स्ट राउंड के लिए फिर इस तरीके से बुला दिया था. सो मैं अकेले जाई थी, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, आई थिंक 4-5 बजे कुछ मैं निकली थी वहाँ से. और अनफॉर्चुनेटली मेरी फ्रेंड की भी उस दिन फ्लाइट थी तो शी वॉज नॉट देयर, अदरवाइज वो डेफिनेटली मेरे साथ एयरपोर्ट आती. और मुझे क्योंकि कुछ पता नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं कभी ट्रैवल ही नहीं किया तो मुझे नहीं पता कि क्या होता है भाई, मतलब चेकिंग काउंटर कहाँ है तो छोड़ो, मुझे पता नहीं था कि देर इज़ अ थिंग कॉल चेकिंग काउंटर. सो काफ़ी मैं ब्लैंक थी, क्लूलेस थी. बट उसने मुझे पूरा तरीके से कि यू नो लाइक एक मैप बना के दिया कि ऐसे करना, यहाँ पे एंटर करेगी, ये डिपार्चर्स होगा, फिर अंदर जाना, अपनी टिकट दिखाना वहाँ पे, फिर अंदर जाने देंगे अपने आई कार्ड के साथ, फिर चेकिंग काउंटर होगा, फिर उनको टिकट देना, फिर तुम्हें बोर्डिंग पास देंगे एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई वॉज लाइक ओके ठीक है फाइन, बट आई वॉज स्केयर्ड. देन कैलकटा में येलो टैक्सीज चलती है, राइट. सो मैंने ना रात को ही एक टैक्सी वाले रहते थे घर के बाहर, मतलब जो टैक्सी खड़ी होती थी, तो उनमें से एक भैया को बोल दिया कि मुझे मेरी मॉर्निंग फ्लाइट है. उस टाइम पे ना कैब का इतना ट्रेंड नहीं था, आई बिलीव सो, यू नो, आई थिंक 2013 में था क्या, आई डोंट नो, प्लीज़ पता करो, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे याद नहीं है, उस टाइम पे शायद नहीं था इतना, ठीक है. एंड तो मैंने उस टैक्सी वाले को बोल दिया कि मुझे सुबह जाना है फ्लाइट पे, उसका नंबर ले लिया कि प्लीज़ आप आ जाना. ही इज़ लाइक ओके फाइन. नाउ मैं अकेले जा रही हूँ टैक्सी में और सुबह के 4-5 बजे तो ऑफकोर्स अंधेरा है,
मैं बहुत डरी हुई थी बहुत ज्यादा. मेरे पास एक गणपति जी की मूर्ति थी, मैंने अपने साथ में रखी हुई थी, और मैं लिटरली ना दरवाजे के पास चिपक के बैठी हुई थी, ठीक है. और मैंने ना लॉक को अनलॉक कर रखा था कि जहां मुझे लगेगा कि इसके दिमाग में कुछ खुरापा चल रही है, इसके इंटेंशन अच्छे नहीं है, मैं खोल दूंगी, मैं गिर जाऊंगी, ज्यादा से क्या होगा, हड्डी टूट जाएगी ना, बट मैं तो बच जाऊंगी ना. इस ना मेरे दिमाग में यही चल रहा था ना. आई वॉज लाइक यू नो, भगवान से मैं प्रे करती कि बस मुझे अच्छे से पहुंचा दो, है ना. वो एक चीज थी. तो क्योंकि उससे अभी क्या होता है ना, कैब्स में मतलब एटलीस्ट तुमको एक सिक्योरिटी होती है कि तुम्हारे को कैब नंबर पता है. मतलब कैब नंबर मैंने भेजा था अपने पापा को कि हाँ ये कैब नंबर है, दिस इज वॉट इट इज, एंड प्लीज देख लेना कहीं मैं मिलूँ नहीं तो पता है आपको ये कैब नंबर में थी, मैं इस कैब के अंदर थी. दिमाग में ऐसी चीजें आती है, ठीक है. तो मैं पहुंची एयरपोर्ट, वहां पहुंची, वहां गई, एंड देन अगेन एंटर किया. फिर मैं इधर देख रही थी, फिर मैंने यू नो ऑफकोर्स देर आर साइंस, तो साइन बोर्ड पढ़िए, आप सब पढ़े लिखे हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, तो साइन बोर्ड पढ़िए एंड वहां आप पहुंच जाएंगे. मैं चेकिंग काउंटर पे पहुंची, देन देर वर द ग्राउंड स्टाफ, दे वेरी नाइस, उन्होंने हेल्प किया मेरा थोड़ा ना, बिकॉज आई टोल्ड देम भाई मुझे नहीं शो ऑफ करना था कि भाई मैं तो बहुत ट्रैवल करती हूँ, मैं नहीं करती ट्रैवल, मुझे नहीं पता, मैं बुद्धू हूँ, बोंदू हूँ, प्लीज मुझे बता दो कि क्या करना है. मतलब इस मामले में मैं बूंदू हूँ तो मुझे नहीं पता, तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो. दे वर वेरी काइंड, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने देन दे टोल्ड मी कि अच्छा ये आई थिंक टिकट मेरे मेरे मेल में आ रखा था, तो मुझे प्रिंट आउट लेना था एंड फिर उसके बाद जाके बोर्डिंग पास लेना था. तो बोर्डिंग पास के लिए एक टिकट काउंटर इज डिफरेंट, जहां से आपको टिकट मिलती है. देन द बोर्डिंग कार्ड के लिए आपको चेकिंग काउंटर पर जाना पड़ता है. बोर्डिंग कार्ड जो होता है ना, बोर्डिंग कार्ड में आपका सीट नंबर लिखा होता है, टिकट में सीट नंबर नहीं लिखा होता है. सो यू नीड टू हैव द बोर्डिंग पास. तो मैं बोर्डिंग पास लेने गई, वहाँ पे खड़ी रही, अच्छा ऐसे करके. लकली मेरे पास छोटा सा बैग था तो उसे चेकिंग करवाने की जरूरत नहीं थी, वो मैं कैबिन में आराम से ले जा सकती थी. देन मैं गई फ्लाइट के अंदर बैठी, मैं विंडो सीट पे बैठी थी, मुझे विंडो सीट मिली थी. एंड बड़ा अजीब सा लग रहा था ना, ऐसे पेट में गुड़ 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 हो रही थी कि मतलब क्या है कैसा है. एंड मैं विंडो के बाहर देख रही थी कि अभी बादल दिखेंगे थोड़ी देर में, यू नो क्रू को देख रही थी कैसे अनाउंसमेंट कर रही है, कैसे लग रही है. क्योंकि एक होता है ना, लाइक यू गाइज, मेरे दिमाग में भी एक था कि हाँ ऐसी होती है कैबिन क्रू, यू नो इस तरीके की होती है, सुपर मॉडल टाइप्स, बहुत लंबी बहुत पतली. तो इसलिए मुझे कभी लगा नहीं कि मैं बन सकती हूँ, क्योंकि कभी मैं बहुत लंबी या बहुत पतली रही नहीं, यू नो. सो यू नो मेरे वो दिमाग में, देन आई वाज लाइक कुछ को देखा मैंने कहा ये तो मेरी जैसी लग रही है, मतलब बन सकती हूँ मैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी वो नहीं है. तो उनसे थोड़ा इंटरेक्शन भी हुआ, यू नो इट वॉज द बाय ऑन बोर्ड एयरलाइन, लाइक इट वॉज बाय ऑन बोर्ड को क्या बोलते हैं, लो कॉस्ट एयरलाइन, या सो वहाँ पे आपको खरीदना पड़ता था. तो दे केम अप टू मी एंड दे लाइक यू वॉन्ट टू ईट समथिंग, तो मैंने कुछ खाया नहीं उस टाइम, बिकॉज मुझे एंग्जाइटी इतनी हो रही थी, मैं खाना ही क्या, मेरे दिमाग में इंटरव्यू 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 चल रहा था कि क्या करूँ मैं मतलब मुझे वॉशरूम भी जाना था पर मैं इतनी सीट से नहीं उठी, यू नो पता नहीं, मैं बहुत डरी तो नहीं कहूँगी मैं, क्यों आई डोंट नो, इट वॉज वियर्ड, इट वॉज अ वियर्ड फीलिंग, आई कांट एक्सप्लेन, आई कांट डिस्क्राइब वॉट आई वॉज फीलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. बट आई डेंट गो टू द लू, जबकि मुझे जाना था, बट फ्लाइट ज़्यादा लंबी थी नहीं, तो नहीं थी लंबी यार, 2 घंटे की फ्लाइट थी. तो मैं जैसे बैठी हुई थी, फिर मैं बाहर देखी थी, एंजॉय कर रही थी नज़ारे, बड़ा अच्छा था. मतलब वो फर्स्ट टाइम जो होता है ना, उसके बाद मैं जब भी ट्रैवल किया है ना, मैं सोती रही आई हूँ, मतलब जैसे ही एयरक्राफ्ट मूव करना शुरू करेगा, मैं अपना जो भी शॉल वगैरह लिया मैंने मुंह पे, और मैं सो जाती थी. मतलब अभी भी मेरा यही, अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, पर उस टाइम पे मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई. मैं बाहर देख रही थी कि अच्छा कैसे लग रहे हैं बादल, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो नीचे कैसे दिख रहा है. सो दैट वॉज द होल थिंग. देन कैबिन क्रू, हाउ दे आर मेकिंग द अनाउंसमेंट एंड हाउ दे आर वॉकिंग, हाउ दे आर कंडक्टिंग देयर बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग, यू नो वो सब देख के थोड़ा लोग कैसे होते हैं क्या करते हैं. तो वो था. फ्लाइट ज़्यादा फुल नहीं थी, खाली खाली सी थी, मॉर्निंग फ्लाइट थी तो ज़्यादा कुछ फुल नहीं थी. तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहुंचे फाइनली वहाँ पे इंटरव्यू के लिए. फिर देन और लड़कियाँ पे मिल गई, आई थिंक वो दूसरा उनका मतलब डिपार्चर दूसरा होगा उनका, बिकॉज सेम फ्लाइट में तो मुझे दिखी नहीं. तो फिर वहाँ पे मिली एंड पता चल जाता ना, अच्छा तुम भी आई हो क्या इंटरव्यू के लिए. सो ऐसे करके देन वी मेट, एंड मैंने सबसे पहले लैंड होके मैंने वॉशरूम यूज़ किया, सबसे पहली चीज़ मैंने वही की. एंड मैं गई इंटरव्यू के लिए, बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस आई वुड से. मतलब सारे राउंड क्लियर होते गए होते गए. आई रिमेम्बर जब मैं फर्स्ट मेरा जो राउंड था वहाँ पहुँचते ही मेडिकल था, और जो डॉक्टर थी ना, पता नहीं वो डांस की बात कहाँ से, अगेन शी इज लाइक यू नो हाँ अच्छा यू डांस ओके, तो मैंने कहा हाँ मैंने कथक सीखा है, अच्छा कुछ फुट स्टेप करके दिखाओ. मतलब मैंने कहा मेरे आई साइट चेक करो कि भाई ठीक है कि नहीं है, मतलब मेरे हाइट वेट चेक करो. बट इट वॉज अ वेरी नाइस इंटरेक्शन विद हर. तो
तो बड़ा स्वीट सा था. फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड क्लियर हुआ, थर्ड राउंड क्लियर हुआ, आई थिंक थर्ड राउंड वॉज द फाइनल राउंड. वो भी विच वॉज विद विद यू नो हाई मैनेजमेंट, उनके साथ था, तीन लोग बैठे हुए थे, बात करा, इंटरेक्शन, इट वॉज वेरी नाइस. मतलब एंड में वी वर थ्री ऑफ अस, तीन लड़कियां बची थी, हम तीन लोग गए थे. तो उसमें से एक को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था और एक को रिजेक्ट कर दिया था और मुझे होल्ड पे रख दिया था. सो दे टोल्ड मी वी आर पुटिंग यू ऑन होल्ड, वील लेट यू नो जब भी, मतलब वील कॉल यू बैक. सो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है ये, मतलब होल्ड पे रखना क्या होता है, मतलब या तो हाँ या तो ना. सो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हो गई थी, यू नो, बिकॉज फॉर मी इट वॉज लाइक अ रिजेक्शन एंड नो बडी लाइक्स रिजेक्शन. दो दे सेड दैट यू नो वील कॉल यू बैक, एंड उस दिन उन्होंने किसी को भी नहीं लिया, ठीक है. एंड इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे जो भी लड़कियां आई थी ना बाकी जो कैलकटा से मेरे साथ, एवरीबडी वॉज सो डिजर्विंग. एंड यू वॉन्ट बिलीव, नेक्स्ट टाइम जब वो गए इंटरव्यू के लिए आफ्टर थ्री मंथ्स, सबको ले लिया. पता नहीं उस टाइम पे रिक्वायरमेंट नहीं थी क्या थी, मतलब आई एम नॉट मेकिंग एक्सक्यूज, बट आई एम जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू कि उन्होंने सबको रिक्रूट कर लिया एंड दे ऑल वर डिजर्विंग. इट वॉज नॉट जस्ट लाइक आई वॉज डिजर्विंग, दे ऑल वर गुड, दे ऑल वर प्रिटी लुकिंग एंड वेल स्पोकन, सब अच्छे थे यार. मतलब मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि कमी, मुझे तो लड़कियाँ सारी ठीक लग रही थी. सो उस टाइम पर पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं लिया, एंड आई वॉज लाइक ओके फाइन, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, बट आई वॉज ग्लैड कि मैं फाइनल राउंड तक गई, मैंने हाई मैनेजमेंट से मिली. हालांकि उन्होंने कहा होल्ड है, पर मुझे तो रिजेक्शन ही लगा, एंड ऐसे करके मैं वापस आ गई. थोड़ी सी डिसअपॉइंट, थोड़ी क्या, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी मैं, और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके. एंड जब वापस जाने लगे, ऑन द वे बैक सेम डे हम लोग वापस आ गए, तो हम अब सब लोग एक फ्लाइट में थे, जो 10 लड़कियाँ थी कैलकटा से जो गई थी इंटरव्यू के लिए, हम सब एक फ्लाइट पे थे. हम बैठे एंड देन देयर वाज दिस कैबिन क्रू, जो कि मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है, ठीक है, बट आई मुझे पता नहीं था उनके, मतलब मैंने उसके मुंह से सुना था उनका नाम, बट मैंने कभी ऐसा इंटरेक्शन कभी हुआ नहीं. एंड ऑफकोर्स आई एम श्योर कि उन्होंने, वो भी मुझे नहीं जानते होंगे या अभी भी नहीं जानते होंगे. सो उनको देख के पता चल गया होगा कि हाँ ये तो लग रहा है इनको देख के, इंटरव्यू देख के आए हैं, एंड यू नो लेट्स इंटरेक्ट विद देम. सो शी वॉज वेरी स्वीट, वो आई, यू नो आफ्टर द सर्विसेज ऑफकोर्स शी केम एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग टू अस कि ओके हाउ इज इट एंड एवरीथिंग. शी कुड सेंस दैट आई वॉज अपसेट अबाउट इट एंड अदर गर्ल्स ऑल्सो, एंड शी वॉज सो नाइस एंड शी सेड कि यू नो यू वॉन्ट बिलीव, मेरा भी नहीं हुआ था इंटरव्यू, फर्स्ट इंटरव्यू में मेरा भी, मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया था फॉर दिस एयरलाइन, सेम एयरलाइन, मेरा नहीं हुआ था. नेक्स्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया मेरा हो गया. तो डोंट लूज होप्स कि अच्छा ठीक है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मतलब there is always a next time, you should keep trying and all of that. So ने काफ़ी encourage किया हम लोगों को, हालांकि मेरे दिमाग में फिट हो गया था कि मैंने नहीं जाना किसी इंटरव्यू के लिए, अब मैं नहीं जाऊँगी, हो गया मेरा. हालांकि आई वुड थैंक श्री मोई फॉर दैट, माई अनदर फ्रेंड फ्रॉम कैलकटा. सो इट वॉज हर हु सेड कि यू नो आफ्टर लाइक 3-4 मंथ्स कि लेट्स गो फॉर जेट का इंटरव्यू, इंटरव्यू निकला एंड ऑल ऑफ दैट, वो बात की स्टोरी है. बट या सो दैट वॉज द होल एक्सपीरियंस, माई फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग. और उस फ्लाइट में मुझे ना इंस्टाग्राम के बारे में भी उस फ्लाइट पे पता चला था, बिकॉज मेरी ना एक जो फ्रेंड बन गई थी, मतलब सभी फ्रेंड्स बन गए थे, तो वो पास में बैठ के वो ना हार्ट टैप कर जा रही थी, हार्ट हार्ट हार्ट. मैं कहा ये क्या ऐप है, मैंने कहा मैं कौन सी गुफा में रहती हूँ कि मुझे पता ही नहीं इस ऐप के बारे में. देन शी टोल्ड मी अबाउट इट, दिस इज ऐप, यू अपलोड पिक्चर्स एंड पीपल दे सी इट एंड दे लाइक इट. सो या इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, द क्रू वर वेरी नाइस. एंड सो यू नो अगर आप कल को अगर ट्रैवल करते हो एंड दिस इज योर फर्स्ट फ्लाइट, सो डोंट गेट इंटिमिडेटेड, डोंट थिंक ओ माई गॉड मैंने पाप किया कि मैंने जिंदगी में कभी ट्रैवल नहीं किया है, या मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, सो पीपल आर गोना जज मी. डोंट थिंक लाइक दैट, यू नो इट्स जस्ट अबाउट ट्रैवलिंग, यू आर जस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यू आर पेइंग फॉर दैट. सो यू शुड नॉट फील यू नो इंटिमिडेटेड, और यू शुड नॉट फील लाइक ओ माई गॉड आई एम सच अ गवार, आई डोंट नो एनीथिंग. It's okay, chill, just take a chill pill, okay? And there are people to help you out. There are ground staff, there are cabin crew. Everybody is there to help you out. They will go out of their way just to help you out. Be nice to them. So, yeah. So, that is about... So, that was my experience of flying for the first time as a passenger. And it was a beautiful experience. I met some amazing people on the way. And, yeah, I hope... सब चीज़ें ठीक हो जाएं, और जिन्होंने आज तक ट्रैवल नहीं किया बाय एयर उनको भी मौका मिले उनकी फर्स्ट फ्लाइट यू नो एक्सपीरियंस करने का. एंड जिन्होंने कर रखा है ट्रैवल, सो प्लीज़ इन द कमेंट सेक्शन लेट मी नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, क्या आप नर्वस थे, क्या आप एक्साइटेड थे, व्हाट वाज इट, हाउ वाज इट,
let me know in the comment section below. I would love to read it. And yeah, thank you so much, guys. Thank you so much for showing so much of love and support. Though, you know, at times I feel that whatever I'm doing, maybe my content is not that great, or people might feel that, you know, what is she doing? She's just sitting or blabbering or vlogging the same random thing again and again. But, you know, there are that this lot, I would say, they are always with me, you know. Nirupama fam, sometimes some people, they write, you know, hashtag Nirupama fam. So I would say that, you know, my fam, my family, my virtual family, who is there to always support me. And because of you guys, I'm filming this, you know, just to let you know. Because you people are keep on, even if there is only one comment, that is like, that is enough for me to, you know, that is enough for me to move my ass and to actually sit down and make a video for you all. So thank you so much for supporting each and every time. And please take care of yourself. Please ghar mein raho, surakshit raho, sanitizer use karo, mask, double masking karo. Bahut zaruri hai, bahut, it's a very tough time. Bahut, matlab, news dekh ke dimag kharab ho jata hai. I hope aap sabke ghar mein sab log surakshit hain, swasth hain. Please apna dhyan rakhein, breathing exercises kijiye, achha khana khaiye, haldi wala doodh pijiye, chyawanprash khaiye. Please sab चीजें कीजिए अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखने के लिए, और प्लीज सुरक्षित रहिए. दैट्स ऑल आई वांट टू से. स्टे होम, स्टे सेफ. ऑलराइट, सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. टू मच ऑफ ब्लैबरिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू, मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड नेक्स्ट टाइम आई अपलोड अ वीडियो. एंड या आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. टेक केयर.